कैसे हैं आप सब। कुकिंग हट में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनी, जो कि वैसे तो आपने देखी होंगी, एक मिक्सचर भी मिलता है बाजार से, लेकिन हम घर में इसे कैसे बना सकते हैं आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनने वाली है। चलिए आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं, हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मुझे कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए आए देखते हैं कि चिकन ब्राउनीज हम कैसे बनाते हैं और इनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ब्राउनीज बनाने के लिए हमें चाहिए दो अंडे। हमने लार्ज साइज़ के दो अंडे रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। फ्रिज में रखे हुए अंडे नहीं आपने इस्तेमाल करने, रूम टेम्परेचर के अंडे आपने इस्तेमाल करने, फिर ही आपका बेकिंग का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। मैंने घी लिया है, वनस्पति घी 100 ग्राम या हाफ कप आप इसे मेजर कर सकते हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पर है, इसमें आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर आपने इसको लेना है। कोको पाउडर हमने लिया है 1/3 कप, 1/3 कप हमने कोको पाउडर इसमें इस्तेमाल की, इसे हमने छान लिया है। चीनी हमने ली है, पिसी हुई है, इसे कैस्टर शुगर भी कहते हैं, ये हमने 3/4 कप या 3/4 कप इस्तेमाल की है। मैदा हमने लिया है, इसे हमने छान लिया है और ये 1/2 कप या 1 1/2 कप आपने 1/4 चम्मच हमने इसमें नमक लिया है। चिली एसेंस हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम डालेंगे अंडे, चीनी ऐड करेंगे हम दो अंडों में और इसे अच्छे से बीट लेंगे, बीट कर लेंगे। दो से तीन मिनट हमने इसको बीट करना है। अच्छे से हमने इसको बीट किया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें इस्तेमाल डाल देंगे अपना नाशपति घी या मक्खन, रूम टेम्परेचर पे ही हमारे पास है। अब हम इसे मजीद बीट करेंगे 2 मिनट। ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे थोड़ा सा फिर बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। कोको पाउडर जो हमने 1/3 या 1/3 कप लिया था उसे हमने इसमें डाला है और अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा जो हमने 1/2 कप लिया था। अब हम इसे फिर अच्छे से बीट करेंगे। इसको अच्छे से बीट कर लिए, अब हमने ओवन जो अपना है वो 170 पे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। तो अब हम इसे करेंगे कि हमने एक पेपर लिया, वाइट पेपर, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसे हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके, तो हमने वाइट पेपर लिया है, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से, ताकि जो हमने जब इसमें बेक करें ब्राउनी तो वो साथ ना चिपके इसके। अभी सारा जो हमने मिक्सर बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। ओवन मैंने आपको बताया कि मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 170 पे 10 मिनट के लिए, हमने ओवन को प्री हीट किया। नहीं, कितना अच्छा बीट हुआ है ना, कितने अच्छे तरीके से ये बीट हुआ है, तो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है।
ओवन में अब हम इसको रखेंगे 20 से 30 मिनट के लिए। टेम्परेचर हमने 170 रखना है और अब हम इसे रखते हैं। अब 30 मिनट्स के लिए हम इसे 170 पे बेक कर देंगे। इस ओवन को हमने पहले प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 170 पे। अब हम इसे बेक करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसी है। हमारी ब्राउनीज रेडी हो गई हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे काट लेंगे पीसेस में। ये आप देखें कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, कितने आराम से ये कट रहा है। इसे आप चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन और एयर टाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं। मज़ेदार ब्राउनीज हमारी रेडी हैं। चलें जी, ये कैसी बनी है। हम अब्दुल्ला मेरा बेटा है, बहुत ही प्यारा, उसे हम टेस्ट कराते हैं और वो बताएगा आपको कि ब्राउनीज कैसी बनी है। ये नहीं अब्दुल्ला, कैसी बनी है बेटा?